सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज हम देखेंगे राजगिरा को पॉपअप कैसे करना है, मींस राजगिरा लाही कैसे बनाना है। राजगिरा लाही बनाने के लिए इधर मैंने एक कप राजगिरा साफ करके दिया है। राजगिरा अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, इसमें कुछ भी स्टोन नहीं होने चाहिए। चलिए हम इस राजगिरा को पॉपअप करेंगे। गैस के ऊपर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है, गैस की आग मीडियम रखी है। ये पैन अच्छी तरह से गरम हुआ है। अब हम इसमें आधा चम्मच राजगिरा डालेंगे और इसे स्पून की मदद से नहीं तो स्पैचुला की मदद से इसी तरह से मिक्स करेंगे तो बहुत आसानी से राजगिरा पॉपअप हो जाता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। राजगिरा पॉपअप करते समय गैस की आंच ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए। जब आप गैस की आंच कम रखोगे तो राजगिरा अच्छी तरह से पॉपअप नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा तेज रखोगे तो राजगिरा पॉपअप हो जाएगा लेकिन जल्दी से जल जाएगा। तो इसीलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही राजगिरा को पॉपअप करना है। और राजगिरा पॉपअप करते समय इसी तरह से थोड़ा थोड़ा राजगिरा एक चम्मच आधा चम्मच डाल के ही उसे पॉपअप करना है, तब ये राजगिरा बहुत अच्छी तरह से पॉपअप हो जाता है। इसे पॉपअप करना बहुत ही आसान है, लेकिन गैस की आग मीडियम टू हाई रखनी है, पैन अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। इसी तरह से हम ये सारा राजगिरा को पॉपअप करेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये राजगिरा को पॉपअप किया है। थोड़ा बहुत राजगिरा रह जाता है, वो पॉपअप नहीं हो जाता है, उसे हम छान के निकालेंगे। इधर मैंने एक स्ट्रेनर लिया है छोटा वाला, और इसमें ये राजगिरा डालेंगे और उसे छान देंगे। तो जो राजगिरा पॉपअप नहीं हुआ है वो नीचे गल जाता है, देखो इसी तरह से। और ये पॉपअप हुआ राजगिरा हम एक बाउल में निकालेंगे। इसी तरह से हमें पॉपअप किया हुआ राजगिरा छान लेंगे। तो इसी तरह से राजगिरा पॉपअप हुआ है, और ये बचा हुआ राजगिरा जो कि पॉपअप नहीं हुआ है। तो इसी तरह से राजगिरा पॉपअप हुआ है। आप इस पॉपअप किया हुआ राजगिरा से राजगिरा लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं और चिक्की भी बना सकते हैं। चलो आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपका भी राजगिरा बहुत अच्छी तरह से पॉपअप हो जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसे ही नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।